केकर भीड़ है, माहौल केकर है। गुंजन भैया, गुंजन भैया का गुंजन भैया कम बेटा है, गुंजन भैया जीतेंगे अभी। हम चिन्हबे नहीं करते हैं किसी को, विवेक ठाकुर को आप किसी को नहीं चिन्हते, बस गुंजन सिंह। अरे सुन रहे हैं ना, गुंजन भैया को देना है, बस गुंजन भैया को देना है। आप किन को वोट दीजिएगा इस बार? गुंजन सिंह का। गुंजन सिंह को? गुंजन सिंह कौन है जानते हैं? गुंजन सिंह जानते हैं, हमको परिवार है। आप क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में? जी सर, मुद्दा दो ही है, एक है स्थानीय लोग को वोट देना है, एक है बाहर वाले लोग को। सिंह के पहचान भी है और वो घर का बेटा है और वो एक अच्छे नागरिक है, इसलिए उनको जितना चाहिए। तो सांसद बनाइएगा चाचा? गुंजन बिहारी को। गुंजन बिहारी को? हाँ। का है गुंजन सिंह को? गुंजन सिंह के यहाँ प्रेम है, प्रताप राजवंशी है, भूमिहार है, परिवार गांव गतियम नहीं होता है सर। इतना प्रेम? हाँ हाँ, उनका दीवाना है। किकर माहौल है गुंजन सिंह के? गुंजन सिंह के। अरे इस बार सांसद बनाइएगा नवादा में? हम तो बनाएंगे गुंजन सिंह के। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। इधर आई भैया, क्या नाम हुआ आपका? किशन कुमार। किशन कुमार जी, आप युवा हैं जी, है ना? युवाओं के हाथ में देश का भविष्य है जी, बिहार का भविष्य है। आप क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में? जी सर, मुद्दा दो ही है, एक है स्थानीय लोग को वोट देना है, एक है बाहर वाले लोग को। मतलब लेकिन क्यों नहीं देना है ये हम बताते हैं सर। क्यों नहीं देना? स्थानीय लोग के बारे में, जगह मेरा है तो मेरे को पता है कि मेरे को क्या कमी है, क्या नहीं कमी है, सब हमको पता है। लेकिन बाहर वाले को ये नहीं पता है कि हमको क्या चाहिए, हम किस बात के लिए, किस बात के लिए रो रहे, ये बाहर वाले को नहीं पता है। लेकिन वो यहाँ के अगर जो बेटा रहेगा तो उसको पता है बात। इसीलिए हम लोग सोचे हैं कि इस बार गुंजन सिंह को स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग के वोट देंगे, स्थानीय नेता को, घर के बेटा को। देखिए आप युवा हैं जी, समझदार हैं। गुंजन सिंह के अलावे तीन और स्थानीय उम्मीदवार हैं, दो और हैं जी, जैसे एक श्रवण कुशवाहा हो गया महागठबंधन के जी, दूसरा है एक विनोद यादव है जी। तो ये तीन में आप गुंजन सिंह को ही? गुंजन सिंह के इसलिए चुना जा रहा, पहले ही सब बता चुका हूँ, वो क्राइम वाले आदमी से है, मतलब क्राइम से ज्यादा अथी करते हैं। विनोद यादव तो क्रिमिनल नहीं है? विनोद यादव को उतना जनता में नाम भी तो होना चाहिए सर, जीतने के लिए जनता में पब्लिक में चाहिए पहचान भी चाहिए। तो गुंजन सिंह के पहचान भी है और वो घर का बेटा है और वो एक अच्छे नागरिक है, इसलिए उनको जीतना चाहिए। अच्छा, यानी गुंजन सिंह ही चुनाव जीतेंगे जी। और इधर कोई लोग? इधर आइए चाचा, इधर आइए, आप बहुत बुजुर्ग, इधर आइए, कुछ बोलिए ना चाचा। अब जाने के वक्त भी तो अपने भविष्य के हाथ में कुछ दे के जाइए। जगेश्वर राम। जगेश्वर राम। हाँ। इस बार किसको सांसद बनाइएगा चाचा? गुंजन बिहारी को। गुंजन बिहारी को? हाँ। का है गुंजन सिंह को? गुंजन सिंह के यहाँ प्रेम है। प्रेम है तो भाजपा वालों से प्रेम नहीं है? नहीं। राजद वालों से प्रेम? बहुत नहीं दुख है? दिया, बहुत दुख दिया हम लोग। क्या दुख दिया? बहुत दुख दिया। रास्ता चलते आदमी को दिक्कत होता है। रास्ता चलते आदमी को दिक्कत हो रहा है। हाँ जी हाँ, यानी अंतिम पड़ाव में भी चाचा का मूड चेंज हो गया। इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ? रोशन पांडे। रोशन पांडे जी, पंडित जी हैं? हाँ जी। तो पांडे का है बता? पूजा उजा भी करते हैं? सब कुछ करते हैं ना, देख रहे हैं। पूजा भी करवाते हैं, श्राद्ध भी करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। तो इस बार किसका यहाँ पिंड दान होगा? अरे पिंड दान सब होगा, पिंड दान से नहीं ना मतलब है हमको, हमको सिर्फ वोट से मतलब है। वोट देना है तो वोट किसको दे करके इस बार भगा दीजिएगा? अरे सुन रहे हैं ना, गुंजन भैया को देना है, बस गुंजन भैया को देना है। ये तो प्रेम तो इतना आपको लग रहा है ना कि भाई आपका अपना भाई है कि भाई? बस 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 भाई, एकदम भाई है। बस बस हमारे बगल के हैं, भाई हैं, भाई हैं। हाँ, यानी ये लोग जो आए हैं बाहरी प्रत्याशी उनका? हम चिन्हबे नहीं करते हैं किसी को, विवेक ठाकुर को किसी को नहीं चिन्हते, बस गुंजन सिंह। गुंजन गुंजन सिंह बस। इधर आइए, इधर आइए भाई, इधर आइए। क्या नाम हुआ चाचा? सीटन राजवंशी। राजवंशी, आप किन को वोट दीजिएगा इस बार? गुंजन सिंह का। गुंजन सिंह को? गुंजन सिंह कौन है जानते हैं? गुंजन सिंह जानते हैं, हमको परिवार है। परिवार है? हाँ जी, ताप राजवंशी हैं, भूमिहार हैं, बट परिवार गांव गतियम नहीं होता है सर। अच्छा, ये दिल में इतना प्रेम है ना? प्रेम है। हाँ, मोदी जी से प्रेम नहीं है? मोदी जी से भी प्रेम है, लेकिन वही तो दे रहा है, लेकिन वोट देना इसी का, आप किसी पार्टी को वोट नहीं। ऐसे काहे नाराज हो गए मोदी? नाराज क्या हो रहे हैं सर, नाराज नहीं है, सब दे रहा है उसी पर। विनोद यादव से काहे नाराज है? श्रवण कुशवाहा से काहे नाराज है? सब लुटेरा आदमी है, सब लूट के भाग गया। गुंजन सिंह गायक हैं जानते हैं? जानते हैं। उनका गाना उना आता है आपको? हमको गाना उना नहीं आता है। आपको नहीं आता है? तुमको आता है जी? तो आपको आता है कि नहीं? को आता है? किसको आता है? इधर आओ, इधर। अरे आना गाओ। गुंजन सिंह को जानते हो? हाँ। इस बार लोकसभा का चुनाव होने वाला है, हाँ, मालूम है? हाँ। हाँ?
केकर भीड़ है, माहौल केकर है। गुंजन भैया, गुंजन भैया का गुंजन भैया बेटा है, गुंजन भैया जीतेंगे अभी। इतना प्रेम? हाँ हाँ, उनका दीवाना है। तुम अपनी दीवानगी से तो पूरे नवादा को पागल कर दोगे। तो ठीक नहीं है, गुंजन भैया जीतेंगे, आप कोई नहीं, आप सब उसम फकीर आदमी है। फकीर है? हाँ। एक गाना बनाता है गुंजन सिंह वाला। हाँ आ? चल गए छौड़ी ककोलत में ना आएगा। बढ़िया से जरा गाइए ना, ककोलत के झरना गाइए तो। नहीं आता नहीं आता, लेकिन ये ककोलत वाला याद है कि भाई ककोलत बगल में है ना। हाँ, तो यहाँ से कितना दूर पे ककोलत है? करना होगा 17 किलोमीटर। बस बस, और पूरे देश में विख्यात कर दिया ककोलत के झरना। नहीं हाँ। इसीलिए दीवानगी है। हाँ, तो वोट तो आप लेकिन दीजिएगा। नहीं ना, नहीं देंगे, तभी पूरा सपोर्ट करेंगे। हाँ? पूरा सपोर्ट करेंगे गुंजन सिंह के। अब मम्मी पापा कहेंगे कि नहीं हम बीजेपी को देंगे? मम्मी पापा सब देंगे, काहे नहीं देंगे, गुंजन भी देंगे, उस फकीर आदमी है। हाँ। हाँ। अच्छा, तो ये और जो है मान लीजिए वो लोग भी तो घरे का बेटा है ना है उस मोदी जी से प्रेम नहीं है ना है, मोदी जी बूढ़ा है। मोदी सरकार मोदी जी से प्रेम ना है, है? गुंजन सिंह जवान। हाँ, गुंजन सिंह से पूरा प्रेम, पूरा एकदम अथी है। मोदी कोरोना में मोदी जी बचाए? मोदी जी छोड़िए, मोदी जी गोली मारिए, मोदी जी की गोली मारिए, मोदी जी के नहीं। तो देखिए इस बच्चे में भी इतना प्रेम है कि ये गुंजन सिंह का दीवाना। इधर आइए, आप आपका क्या नाम है? प्रियांशु राय। आप वोट तो दीजिएगा नहीं? नहीं, लेकिन माहौल वोट का है। हाँ, तो किकर माहौल है? गुंजन सिंह के। गुंजन सिंह के, आप भी प्रचार करते हैं गुंजन सिंह का? किसको? मम्मी पापा को बताते हैं? हाँ। तो गुंजन सिंह को ही वोट दिलवाइएगा? हाँ। काहे गुंजन सिंह अच्छा लगता है? काहे बगल के गांव के हैं। तो मोदी जी से उसे भी मदद भी करेंगे? मदद करेंगे। हाँ। तो देखिए ये लोग गुंजन सिंह को इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि गुंजन सिंह स्थानीय हैं और भारतीय जनता पार्टी NDA इन लोगों के साथ छलावा किया, लेकिन ये लोग आज भी मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी को अच्छा प्रधानमंत्री मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं NDA से इन लोगों को विश्वासघात हुआ है और विश्वासघात होने के बाद इन लोगों ने फैसला लिया कि घर के बेटा को ही इस बार नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। एक चाचा है, देखिए पकल इनका बाल उल पक चुका है, कई बार वोट दिए होंगे आप चाचा? नहीं दिए तो हर जगह। क्या नाम है आपका? हमारा केशव रविदास। केशव रविदास जी। हाँ। केकरा इस बार सांसद बनाइएगा नवादा में? हम तो बनाएंगे गुंजन सिंह के। गुंजन सिंह के? हाँ? गुंजन सिंह से बढ़िया एको आपको नहीं? कोई नहीं है, कोई नहीं है। हमारा देखिए, जाकर देखिए हमारा घर जो फूटा ढंग से है, फूटा हुआ घर है। तो घर नहीं बनवाए? घर कहाँ बनाए, कुछ नहीं। हा? कुछ नहीं। अच्छा, कई बार MP का वोट आप दिए हैं सांसद वाला? MP के? MP के तो कते बार दिए हैं। कोई सांसद को आप देखे थे पुरनका को? सांसद की क्या बात करे, नहीं हम तो नहीं देखे थे। नहीं देखे थे? नहीं। गुंजन सिंह को देखे हैं? हाँ, गुंजन सिंह तो देखे हैं, वो तैयार हो रहा, घर का बेटा है, घर का लोटा है। अच्छा, तो विनोद यादव विदेश के हैं? विदेश के नहीं है, विनोद यादव तो है, वो भी है, मगर कहीं कुछ दिया है, दिए हैं कहीं। श्रवण कुशवाहा बंगाल के हैं? तो बंगाल का नहीं, तो कहाँ के हैं? कहाँ के हैं बोलिए, आप बोलिए कहाँ के हैं? वो भी नवादा के ना है जी? नहीं, अरे नवादा का तो ये बात नहीं होता। एकदम पूरा मन बना लिए? एकदम पूरा मन बना लिए, गुंजन सिंह को एकदम देना है। गुंजन सिंह को देना है? हाँ। हाँ। तो देखिए ये चाचा लोग अडिग हैं, डिगाने वाला नहीं। इधर भीड़ देख लीजिए, ये लोग नवादा के लोग हैं और नवादा के लोग चाहते हैं कि यहाँ का नेतृत्व करता, यहाँ का नेतृत्व जो है वो किसी घर के बेटा के हाथों में जाना चाहिए। देख लीजिए ये भीड़ है और जहाँ हम लोग जाते हैं स्वाभाविक है कि वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोगों से हम बातचीत करते हैं कि आखिर नवादा का सांसद कौन हो, कैसा सांसद हो इस बार।